आपको। सर मेरा नाम संगीता शर्मा है। हमारे यहाँ संगम विहार कॉलोनी में यहाँ देखिए कितना पानी भर रहा है। हम पार्षद को बुलाते हैं, वो आते हैं और कहते हैं हमारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। लेकिन आज सुबह जब बुलाया ना तो नालियाँ साफ करते आकर के वो जमादार और ना कुछ निकाल के कचरा यहीं भर जाता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से रैंप तोड़वाएंगे सबके। अरे तोड़वाओ कम से कम, ये नाली का कुछ तो विकास होना चाहिए, पानी का निकास तो होना चाहिए ना। हम इतने परेशान, आज 3-4 महीने हो गए हमारे को, 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। आते वो देख के चले आते हैं, कोई नहीं करता। अभी सुबह भी बुलाया तो सुबह देखो मलबा यहाँ से निकाल के गए, आगे कोई देखा नहीं उन्होंने, कोई जाके नहीं। तो अब कह रहे हैं इस पानी में बताइए कहाँ से क्या क्या होएगा, बच्चे निकलने में परेशानी होती है, हर बात में परेशानी है लोगों को निकलने में। आपका नाम? मेरा नाम संगीता शर्मा है सर। किस बात के लिए भाई? इसलिए परेशान हैं हम तो, रोज़ स्कूल बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही पानी पानी पानी, बच्चे जाएं तो कैसे, गोदियों में ले लेके छोड़ना पड़ता है गली के नुक्कड़ तक, गाड़ी निकालने में परेशानी है, सारी परेशानी है यहाँ पे। तो वार्ड कौन सा है? और वार्ड नंबर 30 है, नीतू मिश्रा जी का वार्ड है। हाँ शिकायत करी, वो आते भी हैं, एक बार फोन करने से ही आ जाते हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी भी आते हैं, पर वो आएंगे जब ना, जब साफ सफाई होती नहीं है क्योंकि पानी पूरा फेल होता है तो वो कीचड़ पूरा निकल नहीं पाता ना। कितने टाइम से परेशानी हो रही है? 2-2.5 महीने हो गए। अभी ये बीमारी भी चल रही है कोरोना वायरस उससे? हाँ वही तो, मच्छर घर में, मच्छर तो पूछो मत, इतने सारे मच्छर होते हैं, ढेर सारे, पूरे दिन भले ही ऑल आउट लगा लो पर मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बिल्कुल क्या, घर के कहीं जाते ही नहीं है मच्छर? घर के सामने बिल्कुल पानी आपके? घर के बिल्कुल सामने, आप देख लो घर से बाहर निकले, बच्चा को 4 बार मना कर चुके बाहर मत निकलो, गंदा हो रहा है गंदा हो रहा है। अब वो छोटा बच्चा निकलेगा तो सर ही। कौन सी गली और कहाँ पर है? गली नंबर 2 है संगम विहार। आपका नाम? जॉन्सगंज। मेरा नाम पूजा शर्मा। भैया ये देखो नालियों का पानी भर रहा है, कोई निकास नहीं हो रहा है, आगे नालियों का पानी का कोई निकास नहीं है, नालियों में नहीं मिल रहा है, या तो ये सीवरेज डाली जाए या कोई निकास करा जाए, और काफ़ी दिन से हम परेशानी उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए। कितने टाइम से परेशानी को उठाना? ये भैया 1-2 महीने हो गए हमारे को परेशानी उठाते उठाते। बीमारी का? हाँ बीमारी का है, घरों में सीलन आ रही है, सब चीज़ें हो ही रही है भैया। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी आते हैं पर नाली का पानी तो भरा रहता, तो वो भी क्या सफाई करेंगे? पार्षद को शिकायत करी आपने? पार्षद को शिकायत करी, पार्षद भी आता है, ऐसी बात नहीं है, अपन कोई आगे उसका कोई नहीं निकल पा रहा कुछ भी। कौन पार्षद है, कहाँ पे? यहाँ नीतू मिश्रा जी पार्षद है और रंजन शर्मा जी उनके हस्बैंड आते हैं, देखते हैं करते हैं सब कुछ, पर कोई निकास नहीं हो पा रहा है। कौन सी गली कहाँ पर? संगम विहार कॉलोनी गली नंबर 2 जॉन्सगंज अजमेर जी। यहाँ काफ़ी टाइम से पानी भरा हुआ है गली के अंदर, ठीक है ना, जो कि नालियाँ ओवरफ्लो होके सड़क पे आ रही है ना, तो हमारे बच्चे बाहर जा पा रहे हैं ना, गाड़ी वगैरह सब जी। ये देखिए हमारा मेरा घर है यहाँ पे, ना तो गाड़ी पार्क हो पाती है ना, बच्चे बाहर आ पाते हैं, बुजुर्ग हैं घर से कैसे बाहर निकले आप ही बताइए, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। ये हो रहे हैं सर, 2-2.5 महीने हो गया इस चीज़ को। तो आपने पार्षद को शिकायत करी जी? बिल्कुल करी है उनको। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने यही कहा कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन उसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। कर्मचारी आते टाइम से? हाँ जी आते हैं, लेकिन वो जैसे क्लियर होना चाहिए नाली साफ, उस तरह से नहीं हो पाती है। नाली का कोई निकास विकास नहीं सर यहाँ नहीं है। कौन सी गली कहाँ पर? सर ये जॉन्सगंज संगम व्यान गली नंबर 2। आपका नाम जी? मेरा नाम प्रीति शर्मा।